आगरा में आतंकी हमले को लेकर लोग दहशत आगरा में आतंकी हमले को लेकर लोग दहशत में जी रहे हैं। लगातार दो दिनों से ताजमहल से लेकर आगरा कैंट के पास दो धमाकों ने लोगों को डरा दिया है। आगरा की पुलिस AIUB फेल साबित हुई है। अब इन दो धमाकों से ताज नगरी में अधिकारियों के होश उड़े हुए है। भाजपा के सत्ता में आने और लखनऊ में आतंकी सैफुल्ला के मारे जाने से आतंकी संगठन बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सिविल पुलिस के साथ रेलवे पुलिस दोनों धमाकों की जांच कर रही है। ऐसा हुआ था करीब 7:45 बजे करीब यहाँ पे धमाका हुआ ऊपर छत पे। मैं शाम सो रहा था तो सुबह हमारी मिसेज उठी, जैसे ही उन्होंने देखा कि हल्ला मच गया तो हमारे यहाँ आलम भाई हैं और भी लोग सब आगे छत पे देखा तो सीट में बाईपास 6 इंच का हौसला हुआ और उसमें अब धुआं हो गया। धुआं होने के बाद सब लोग मस्ती के लोग इकट्ठे हुए। फिर मेरा भाई सामने था गोपाल, उसने 100 नंबर का नंबर मिला के पुलिस को खबर दी। इसके अलावा भी कोई धमाका हुआ है? हाँ, इसके अलावा एक रेलवे के लाइन के पास में कोई ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़ी हुई थी, उसका टायर में से कुछ चोट मारा, धुआं हो गया। इतना तेज धमाका था? धमाका इतना था कि हमारे जो मोबाइल पान जो काले हाई मस्जिद है वहाँ तक धुआं आवाज पहुँची, लोग वहाँ से आ रहे हैं मुझे देखने। यहाँ का मैं मशहूर आदमी हूँ, अशोक कुमार प्लम्बर मेरा नाम, सब बच्चा लोग जानता मेरे को। ऐसा लग रहा था कि आक्रमण हो गया कोई? हाँ, ऐसा लग रहा था। कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा किसी ने कुछ बम फेंका है किसी। ऐसा है, सुबह सूचना मिली थी करीब 7:50 के आसपास कि एक ब्लास्ट कर गया है, विस्फोट सा हुआ है कूड़े के पास। तो यहाँ पर ये कूड़ा पड़ता है रेलवे का है और मेरे ख्याल से इस कॉलोनी का भी कूड़ा पड़ता है वो सामने जो सराय ख्वाजा है। तो क्योंकि रेलवे के बिल्कुल ट्रैक के बराबर में और ये अबंडेंट एक केबिन है तो यहाँ पर ट्रैक्टर चालक जो है सुबह रोज कूड़ा उठाने आता है 5:30 बजे के आसपास। तो वो क्या कूड़ा उठा रहा था तो जैसे ही ट्रैक्टर चलाया तो एक धमाका हुआ, धुआं हुआ वो तेज और उसका जो दाहिना पिछला टायर है वो पंचर हो गया। उसके पास में ही सराय ख्वाजा है, सामने ही आबादी है। तो उसमें एक अशोक कुमार है, उनके घर पर भी सुबह करीब 1 घंटा पूर्व ये अब ऐसा तो अभी कोई फिलहाल नजर नहीं आता है लेकिन इसकी जांच पड़ताल जारी है। और क्योंकि ये चीज़ बड़ी कॉमन है दोनों इंसिडेंट में कि वहाँ भी कोई बहुत डैमेज नहीं है, उस ऊपर जो ऐसे शीट पड़ी हुई है एक जैसे लोग अपना एक छोटा सा उस वो बना लेते सामान वो रखने के लिए तो ऐसे ही उन्होंने ऊपर छत पर बना रखा है, उसके ऊपर ऐसे शीट पड़ी तो ऐसे शीट पर जो उसके आसपास कोई डैमेज नहीं है, ना कोई दीवार वो शीट भी शीट में बस एक छेद हुआ है और नीचे भी कोई उस तरह का कोई रेमिनेंट्स नहीं मिले हैं। लेकिन वी आर इन्वेस्टिगेटिंग और हमारा जो फॉरेंसिक टीम है वो आ चुकी है, BDS भी है और वी आर इन्वेस्टिंग क्लोजली। हाँ डेफिनेटली क्योंकि धमाका धुआं ये दोनों जगह कॉमन है कि आवाज़ होना और धुएं का काफ़ी धुआं निकलना। यहाँ पर भी ड्राइवर ने बताया और वहाँ पर भी जो घर मालिक जो उस घर के मालिक है अशोक कुमार उनका भी कहना ये था कि आवाज़ हुई और धुआं बहुत तेज निकला।